हेलो किड्स हाउ आर यू होप यू ऑल आर फाइन टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर फ्रॉम द केमिस्ट्री पोर्शन ऑफ क्लास नाइन एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज इज मैटर अराउंड अस प्योर क्या मैटर हमारे चर, हमारे चारों तरफ जो पाए जाते हैं क्या वो प्योर है अब इसी सवाल के ऊपर हमारा ये चैप्टर जो कि चैप्टर टू है क्लास नाइन्थ का केमिस्ट्री पोर्शन से ठीक है इसी के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है तो मैटर के बारे में आप लोग तो चैप्टर वन में पढ़िए चुके हैं कि मैटर है क्या ठीक है जैसे कि हम लोगों ने क्लास नाइन के फर्स्ट चैप्टर में मैटर इन आवर सराउंडिंग जो चैप्टर था उसमें यह पढ़ चुके हैं कि मैटर है क्या तो उसको पढ़ने के बाद हम लोगों को पता चला कि मैटर वो चीज है जिसका खुद का क्या होता है मास होता है दे हैज मास कैन ऑक्यूपाई स्पेस या कहें तो दे हैव वॉल्यूम ठीक है उसका वॉल्यूम होता है ठीक है दैट मींस दे कैन ऑक्यूपाई स्पेस अगर कोई भी सब्सटेंस स्पेस ऑक्यूपाई करता है या उसका मास होता है तो हम उसको मैटर कहते हैं ठीक है इसके बारे में चैप्टर वन में है साथ साथ है हम लोगों ने यह पढ़ा कि मैटर जो है टाइनी पार्टिकल्स से बने हैं उन टाइनी पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी डिस्कस किए थे जिसमें यह हम लोगों ने जाना कि जो भी मैटर है ठीक है टाइनी पार्टिकल से बने हैं उन टाइनी पार्टिकल्स के बीच में इंट्रामोलिकुलर स्पेस पाया जाता है उनके बीच में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होते हैं ठीक है वो पार्टिकल्स एकदम बहुत ही छोटे होते हैं, जो कि आंखों से नहीं दिख पाते हैं ठीक है तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने मैटर के बारे में पढ़ा था साथ साथ हम लोगों ने ये भी किया था कि पढ़ा था कि मैटर को जो है अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी क्या किया गया था डिवाइड किया गया था ठीक है जिसका क्लासिफिकेशन किया गया था इन दिस वे कि मैटर को उसके फिजिकल प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से मैटर को दो भाग में बांटा गया था जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से मैटर को सॉलिड लिक्विड एंड गैस और भेपर ठीक है इस हिसाब से बांटा गया था उसी तरह केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से मैटर को फिर से क्या किया गया है बांटा गया है जिसके बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में क्या करना है पढ़ना है तो किस तरह से बांटा गया है वो क्लासिफिकेशन में हम आप लोगों को बताएंगे ठीक है तो अब यहां तक तो हम लोगों ने क्या किया था चैप्टर वन डिस्कस किया था अब हम लोग यहां पे चैप्टर टू शुरू करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ठीक है ऑफ द मैटर अकॉर्डिंग टू द फिजिकल प्रॉपर्टी तो पूरा ये चैप्टर जो है मैटर का क्लासिफिकेशन केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से जिस हिसाब से हुआ है उसी के ऊपर आधारित तो है ये चैप्टर तो बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं ये चैप्टर का पार्ट वन वीडियो ठीक है तो लेट्स स्टार्ट तो शुरू में हम लोगों को क्या क्या इसमें पढ़ना है उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको ओवरव्यू दिखा दें कि इसमें हम लोगों को इंट्रोडक्शन करना है ठीक है इंट्रोडक्शन में मैटर ठीक है प्योर है कि नहीं है उसके बारे में ठीक है किस हिसाब से मैटर को बांटा गया है जैसे मैटर को अकॉर्डिंग टू दिस प्योर इम में बांटा गया है ठीक है उसके बाद से क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जो कि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे साथ साथ प्योर सब्सटेंस क्या है उसके टाइप्स क्या क्या हैं ठीक है मिक्सचर क्या है उसके टाइप्स क्या हैं सोल्यूशन एंड इट्स प्रॉपर्टी इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सोल्यूशन और सोल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या होती है जैसे आप लोगों ने क्लास सेवन एट तक सिक्स तक पढ़े होंगे सल्यूशन ठीक है जिसका दो पार्ट्स होते हैं ठीक है सेचुरे सॉरी सल्यूट एंड सॉल्वेंट उसी सल्यूट और सॉल्वेंट के कंसंट्रेशन के हिसाब से हम लोग फिर सोल्यूशन को क्या करते हैं दो भाग में बांटते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड अन सेचुरेटेड सोल्यूशन ठीक है फिर उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन जिसको ट्रू सोल्यूशन भी कहा जाता है ठीक है कैसे सोल्यूशन का कंसंट्रेशन हम लोग फाइंड करें उसके भी बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में उसके बाद से हम लोग डिस्कस करेंगे सस्पेंशन एंड इट्स प्रॉपर्टी सस्पेंशन है क्या और उसकी प्रॉपर्टी क्या है और लास्ट में डिस्कस करेंगे कोलोइडल सोल्यूशन एंड इट्स प्रॉपर्टी कोलोइडल सोल्यूशन है क्या और उसकी प्रॉपर्टी क्या है यही हमारा टॉपिक है जो कि इस चैप्टर में डिस्कस करना है लेकिन इतना ही टॉपिक नहीं था ठीक है और भी टॉपिक था सेपरेशन ऑफ सेपरेशन पोर्शन था मैटर का ठीक है मटेरियल का सेपरेशन जो कि नया सिलेबस के हिसाब से आपके चैप्टर से क्या कर दिया गया है रिमूव कर दिया गया है तो उस पर फोकस हम लोगों को नहीं करना है ठीक है तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ठीक है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर किस तरह से क्लासिफाई किया गया है तो यहां पे आप देख सकते हैं पहले तो आपको ऑलरेडी हमने बता दिया है कि मैटर है क्या ठीक है मैटर जो है आपके वो मटेरियल कह सकते हैं या सब्सटेंस कह सकते हैं जिसका मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है ठीक है या लोअर क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि मैटर्स आर दोस्ट विच आर मेड बाय अ टाइनी पार्टिकल्स ठीक है तो वहां पे आप लोगों ने फिर मैटर को हम लोगों ने दो पार्ट्स में बांटा किस में चैप्टर वन में एक फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से मैटर्स को बांटा गया ठीक है जिसमें सॉलिड लिक्विड एंड गैस या फिर वेपर ठीक है और केमिकल प्रॉपर्टी के तौर पे इस हिसाब से आपको बांटा गया है मैटर को दो भाग में प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस अब यहां पे प्योर सब्सटेंस में फिर मैटर को क्या किया गया है बांटा गया है तीन भाग में एलिमेंट्स पहले तो है दो भाग में एलिमेंट्स एंड कंपाउंड एलिमेंट्स और कंपाउंड में इसको क्या किया गया है डिवाइड किया गया है एलिमेंट्स को फिर से तीन भाग में बांटा गया है ठीक है मेटल्स नॉन मेटल्स एंड मेटोलोइ्स ठीक है मेटल्स नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स और कंपाउंड को अकॉर्डिंग टू अब देखा जाए तो हमारे चारों तरफ बहुत सारे कंपाउंड्स हैं ठीक है ठीके? जिसमें कुछ एसिड्स बेसेस सॉल्ट इवन ऑक्साइड यही सब हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं तो ये कंपाउंड्स हो गए ठीक है उसके बाद से इम्प्योर सब्सटेंस के तौर पे मिक्सचर एंड सॉल्यूशन ठीक है इस तरह से मैटर को क्या किया गया है क्लासिफाई किया गया है। अब ये सब क्या क्या है इनके डेफिनेशन क्या है इनकी प्रॉपर्टी क्या है उसके बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक है तो एक बार फिर से ये फ्लो चार्ट हम आप लोगों को समझा देते हैं कि मैटर जो है दो भाग में बांटा गया एक प्योर क्योंकि हमारे चारों तरफ जो भी चीजें पाए जाते हैं वो सभी मैटर से ठीक है अब उसकी प्योरिटी के हिसाब से ठीक है कंपोजिशन के हिसाब से दो भाग में बांटा गया है प्योर और इंप्योर। दो भाग में बांटा गया है ठीक है अब प्योर बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं हमारे चारों तरफ जो कि सिर्फ वन काइंड ऑफ पार्टिकल से बने होते हैं एक ही तरह के पार्टिकल से जो बने हो उसको हम लोग क्या कहते हैं प्योर कहते हैं ठीक है जिसमें एक से अधिक पार्टिकल्स के कंबाइन से मिक्स से बना हो उसको हम लोग क्या कहते हैं इम्प्योर ठीक है तो प्योर और प्योर को फिर दो भाग में बांटा गया है ठीक है जिसमें एक आता है आपका एलिमेंट एलिमेंट ये एलिमेंट जो है एटम्स से बने होते हैं ठीक है, एटम्स से बने होते हैं जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है उसका एटम होता है ठीक है उसके बाद से कंपाउंड सेकेंड ग्रुप में बांटा गया है प्योर को कंपाउंड और ये कंपाउंड भी आपका एटम्स के कॉम्बिनेशन से बना होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स कॉम्बिनेशन ठीक है ऑफ एटम्स से बना होता है लेकिन इसका कॉम्बिनेशन फिजिकली नहीं होता है केमिकली होता है ठीक है जो कि आसानी से क्या नहीं होता है फिजिकली इसको हम क्या नहीं कर सकते सेपरेट नहीं कर सकते हैं तो इस हिसाब से प्योर कहलाता है ठीक है वैसे आप कहेंगे कि सर ये तो मिक्सचर हुआ लेकिन ये मिक्सचर नहीं है मिक्सचर और कंपाउंड में अंतर है जब हम मिक्सचर पढ़ाएंगे वहां पे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा फिलहाल में ये समझिए कि, कि कंपाउंड जो होता है कंबिनेशन ऑफ एटम्स होते हैं जो कि केमिकली कंबाइन होते हैं ठीक है अब इंप्योर को भी फिर दो भाग में बांटा गया है एक आपका मिक्सचर और दूसरा आपका सल्यूशन ठीक है इस तरह से आपको क्या किया गया है बांटा गया है अब एलिमेंट्स को देखा जाए तो एलिमेंट्स को भी फिर फर्दर तीन भाग में बांटा गया है जो कि हमारे नेचर में पाया जाता है एलिमेंट्स तीन भाग में ठीक है क्या क्या तो देखिए पहला आपका पाया जाता है मेटल के तौर पे ठीक है तो मेटल ठीक है उसके बाद से दूसरा टाइप होता है नॉन मेटल्स ठीक है एंड लास्ट वन इज मेटलॉइड्स मेटलॉइड्स ठीक है ये तीन पार्ट में एलिमेंट्स को बांटा गया है ठीक है अब मेटल क्या है तो आप लोग क्लास एट में, में मेटल्स नॉन मेटल्स में पढ़े हैं ठीक है बहुत सारे एग्जाम्पल्स मेटल के देखे होंगे ठीक है जैसे आयरन एफी फॉर्मूला होता है ठीक है आयरन गोल्ड गोल्ड ठीक है जिसका फॉर्मूला होता है ए यू सिल्वर ए जी कॉपर सी यू कैल्शियम मैग्नीजियम एम जी कैल्शियम सी ए सोडियम एन ए ये सब क्या है मेटल है जिसमें ये पाएंगे कि आप ये सभी जो है एलिमेंट्स है ये जो है प्योर फॉर्म में है क्यों क्योंकि इनका जो कंपोजिशन है सेम एटम से होता है यानी सोडियम है तो उसका जो कॉम्बिनेशन होगा जैसे मान लीजिए ये ये सोडियम है, एने हो, एने है, अब ये सोडियम जो है, 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 हो, अब एलिमेंट जो अगर देखा जाएगा तो उसका जो कंपाउंड सॉरी एलिमेंट जो बना होगा एक्चुअल में सोडियम सोडियम एटम मिलके बना है ठीक है तो एटम जो होता है सिर्फ सोडियम होता है ठीक है वो सोडियम एटम से ही बना होता है उसमें और कोई एटम नहीं होता है सिर्फ सेम काइंड ऑफ एटम्स होते हैं दैट इज सोडियम इसीलिए ये आपका क्या है एलिमेंट है और ये एलिमेंट एक तरह का मेटल से ठीक है सोडियम मेटल मेटल है उसी तरह नॉन की बात करें तो नॉन मेटल भी आपका क्या होता है प्योर कहलाता है क्योंकि दैट इज ऑल्सो मेड बाई द सेम काइंड ऑफ एटम जैसे बहुत सारे नॉन मेटल्स हैं एग्जाम्पल ठीक है example, जैसे आप लोग सुने होंगे ऑक्सीजन हाइड्रोजन वैसे हाइड्रोजन को हम ना तो नॉन मेटल कह सकते हैं नॉन मेटल कह सकते हैं पिकुलियर एलिमेंट से ठीक है उसी तरह क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है? ये सब आपके क्या है नॉन मेटल से, नाइट्रोजन ठीक है कार्बन दिस ऑल आर नॉन मेटल्स इनको भी अगर देखा जाए तो ये भी आपके एटम्स से ही सेम काइंड ऑफ एटम से मिलके बने होते हैं ठीक है उसी के साथ हम लोग मेटोलोइ्स मेटोलॉइड्स को अगर देखें तो ये भी एक तरह का आपका क्या है एलिमेंट है जो कि सेम काइंड ऑफ एटम से बना होता है जैसे बोरोन ठीक है सिलिकॉन जर्मिनियम दिस ऑल आर व्हाट मेटोलॉइड्स अब क्यों एटम एलिमेंट्स को ही किस किसी को हम एलिमेंट के किसी को हम क्या कह रहे हैं मेटल कह रहे हैं किसी एलिमेंट को नॉन मेटल कह रहे हैं किसी एलिमेंट को हम कह रहे हैं तो ये क्लास एट में आप लोग पढ़े होंगे प्रॉपर्टी ठीक है तो बहुत सारे एलिमेंट्स के कुछ ऐसे प्रॉपर्टी होते हैं जिन प्रॉपर्टी के हिसाब से उसके फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं एलिमेंट्स को तीन भाग में बांट देते हैं मेटल नॉन मेटल एंड मेटोलॉइट्स अब वो क्या क्या है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक है Now, उसके बाद से आता है कंपाउंड तो कंपाउंड एक्चुअल में पहले ही हमने लिख दिया कि कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स होता है तो कंपाउंड और एलिमेंट्स में यही अंतर है ठीक है कि कंपाउंड जो है सेम काइंड ऑफ एटम से बना होता है सॉरी एलिमेंट जो है सेम काइंड ऑफ एटम से बना होता है लेकिन कंपाउंड जो है ग्रुप ऑफ एटम्स कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स डिफरेंट डिफरेंट कंबिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम से बना होता है ग्रुप ऑफ डिफरेंट एटम से कंबाइन होकर क्या बना होता है कंपाउंड बना होता है जैसे एग्जांपल में देख लीजिए वाटर वाटर H2O अब ये H2O वाटर है ठीक है वाटर है अब ये क्या-क्या एलिमेंट -क्या है इसमें तो हाइड्रोजन दो एटम्स है ठीक है दो एटम्स हाइड्रोजन क्या हो गए और एक एटम ऑक्सीजन यानी हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन ऑक्सीजन एलिमेंट दो अलग अलग एलिमेंट्स मिलके क्या बने हुए हैं आपके वाटर बने हुए हैं ठीक है यानी वाटर जो है वाटर जो है आपका क्या है हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट का कॉम्बिनेशन से हुआ है जैसे हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है एच और ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है ओ ठीक है ये एटॉमिक फॉर्मूला हो गया इनके कॉम्बिनेशन से एच टू और मोलिकुलर फॉर्म हो गया ये कॉम्बाइन होकर आपका क्या बनाता है एच टू ठीक है ये इक्वेशन हो गया रिएक्शन हो गया ठीक है तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर आपका क्या फॉर्म हो रहा है

कि इसका जो कॉन्स्टिटुएंट वाटर का जो कॉन्स्टिटुएंट एलिमेंट्स है ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी होती है चाहे ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टी होती है अलग अलग होती है ठीक है हाइड्रोजन का अपना प्रॉपर्टी होता है क्या करना सपोर्टिंग करना या फिर इसको हम हाईली फ्लेमेबल गैस भी कहते हैं ठीक है ऑक्सीजन किसी चीज को बर्निंग करता है तो उसको क्या करता है सपोर्ट करता है लेकिन जब ये दोनों कंबाइन होकर वाटर बन रहे हैं तो ना वहां पे हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी दिखाई देती है और ना ही ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी दिखाई देती है आप सभी को मालूम है कि ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी क्या होता है burning को सपोर्ट करना लेकिन जैसे ही बॉर्डिंग कोई चीज हो रहा है और उस आप पानी डाल देते हैं तो वो बॉर्डिंग जो थिंग्स है वो क्या हो जाता है बुझ जाता है यानी वो आग क्या हो जाता है बुझ जाता है किसके कारण तो पानी के कारण तो यहां पानी की प्रॉपर्टी क्या है बॉन्डिंग को अपोज करना यानी रोकना लेकिन ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी क्या था उसको सपोर्ट करना है बॉन्ड में ठीक है यहां ऑक्सीजन है लेकिन वो अपना प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये इसके साथ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके केमिकली कंबाइन हुआ है जिसके कारण उसने अपनी आइडेंटिटी खो दी है और नया सब्सटेंस बना है जिसकी आइडेंटिटी दूसरी है नॉट सिमिलर टू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसीलिए इन सब को हम लोग क्या कहते हैं कंपाउंड कहते हैं वही मिक्सचर में मिक्स होते हैं लेकिन वो अपना आइडेंटिटी क्या नहीं करते हैं होते नहीं जो है वो प्रॉपर्टी वहां पे भी शो करता है न्यू प्रॉपर्टी फॉर्म नहीं होता है इसीलिए उसको कहा जाता है ठीक है तो यहां मतलब डिफरेंस कुछ समझ में आ रहा होगा ठीक है आप लोग जैसे जैसे पढ़िएगा आप लोग हमारे साथ बने रहिए वैसे, वैसे वैसे आप लोग क्या हो जाएंगे क्लियर हो जाएंगे ठीक है तो यहां पे आपका कंपाउंड क्लियर हो गया नाउ अब एलिमेंट्स को तीन भाग में बांट दिया गया है ठीक है मेटल नॉन मेटल एंड मेटल अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी के हिसाब से अब वो प्रॉपर्टी क्या क्या है वैसे एट में भी पढ़े हैं यहां पे भी हम आप लोगों को पढ़ाएंगे ठीक है उसके बाद से कंपाउंड तो कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है ये भी समझ गए तो बहुत सारे हमारे चारों तरफ कंपाउंड पाए जाते हैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कॉमन सॉल्ट जिसको हम लोग क्या कहते हैं कॉमन सॉल्ट यानी नमक जो हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं तो देखिए सोडियम एलिमेंट और क्लोरीन एलिमेंट से मिलके बना हुआ है ठीक है NaCl। उसी तरह आप लोग क्विक्लाइम चूना ठीक है तो कैल्शियम ऑक्साइड ठीक है उसी तरह एसिड आप लोग पढ़े होंगे एसिड पढ़े होंगे आप लोग तो एसिड में क्या पाया जाता है देखे होंगे आप लोगों ने एच नाम सुने होंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फरिक एसिड विच इज ऑल्सो नॉन एज किंग ऑफ केमिकल्स क्लास सेवन में पढ़े होंगे ठीक है उसी तरह नाइट्रिक एसिड भी है बेस के बारे में भी सुने होंगे आप लोग ठीक है जैसे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड ठीक है पोटासियम हाइड्रो ऑक्साइड ये सब आपके क्या है बेस है एसिड हो गए ऑक्साइड ऑक्साइड में आप कैल्सियम ऑक्साइड जैसे एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन था आप लोग देखे होंगे मैग्नीजियम

डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से हुआ है फॉर्म हुआ है। लेकिन यह सब क्या हैली कंबाइन हुए करता है इंडिविजुअल आइडेंटिटी शो नहीं करता है वो लॉस हो गया है ठीक है एज अ होल न्यू सब्सटेंस जो बना हुआ है जिसको हम लोग कंपाउंड कहे हैं ठीक है थीके? उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है यानी यह भी कह सकता है कि कंपाउंड जो है एलिमेंट एलिमेंट कंबाइन होकर ठीक है डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होकर क्या फॉर्म होता है एक रिएक्शन केमिकल चेंज होता है डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होता है तो एक केमिकल चेंज होता है चाहे रिवर्सिबल चेंज कही चेंज होता है जिसमें आप क्या पाएंगे एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म पाएंगे ठीक है यानी एलिमेंट एलिमेंट कंबाइन होकर एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है वही न्यू सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं कंपाउंड कहते हैं ठीक है ठीके? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पहले अभी हमने बता दिया आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर वाटर जो है ठीक है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट कंबाइन होके वाटर बना उसी तरह सोडियम क्लोराइड सोडियम और क्लोरीन ठीक है मिलके क्या बनता है सोडियम क्लोराइड बनता है उसी तरह मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन होके क्या बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड ठीक है तो ये सभी देखिए सभी में आपका एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट्स से कंबाइन होके न्यू things बनाए जिसको हम लोग क्या कहते हैं कंपाउंड कहते हैं ठीक है उसके बाद से अब इंप्योर सब्सटेंस यानी मैटर को प्योर फॉर्म में बांट दिया गया उसके बाद से मैटर को इंप्योर फॉर्म में इन द टर्म ऑफ मिक्सचर बांटा गया है और सॉल्यूशन बांटा गया है ठीक है तो मिक्सचर जो होता है नया नया मतलब मिक्सचर में क्या होता है दो सब्सटेंस होते हैं ठीक है थीके? या दो से अधिक भी सब्सटेंस होंगे जो कि एनी रेशियो में क्या होंगे मिक्स होंगे एनी रेशियो में या एनी प्रोपोर्शन में मिक्स है कोई जैसे आधा आधा भी हो सकता है ठीक है वन बाई फोर्थ और थ्री बाई फोर पोर्शन में भी हो सकता है मतलब किसी भी रेशियो में मिक्स कर दीजिए वो आपका मिक्सर कहलाएगा ठीक है उसी तरह सोल्यूशन सोल्यूशन क्या है तो एक सोल्यूट और एक सोल्वेंट ठीक है ये सोल्यूट और सोल्वेंट भी आपके क्या होते हैं अलग अलग सब्सटेंस होते हैं ठीक है, लिक्विड फॉर्म में है चाहे सॉलिड सॉलिड भी हो सकता है लिक्विड लिक्विड भी हो सकता है लिक्विड और गैस भी हो सकता है गैस और लिक्विड भी हो सकता है बहुत सारे ठीक है तो उस हिसाब से सॉल्यूशन में तो अब यहां पे देखिए किस तरह से आपका मिक्सर को फिर दो भाग में बांटा गया है ठीक है एक होमोजीनियस मिक्सचर ठीक है जीनियस मिक्सर और एक जीनियस मिक्सर अब होमो होमोजीनियस मिक्सर किसे कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सर किसे कहते हैं उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे होमोजीनियस मिक्सर में क्या होता है जो भी चीजें मिलाया जाता है फिजिकली मिक्सर में ठीक है फिजिकली जो भी चीजें मिला गया है वो क्या होते हैं इक्वल यानी इवनली मिला गया होता है कहीं से भी निकालिए इवनली क्या है मिले हुए हैं ठीक है मिक्स हुए हैं यानी कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम नहीं जो भी चीज वहां पे मिक्स किया गया है वो क्या होंगे इक्वल रेशियो में होंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं होमोजीनियस मिक्सर जहां पे आपका मिक्सर क्या हो मिक्स हुआ हो लेकिन अन कहीं पे कोई चीज ज्यादा कहीं पे कोई चीज कम तो उसको हम लोग क्या कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सर ठीक है उसी तरह सोल्यूशन को भी तीन भाग में बांटा गया है हम लोग पढ़ेंगे ट्रू सोल्यूशन जिसको सिंपली सोल्यूशन भी कहा जाता है ठीक है उसके बाद से ट्रू सोल्यूशन ठीक है एक में ट्रू सोल्यूशन दूसरे में सस्पेंशन ठीके? और तीसरे में कोलोइल सोल्यूशन ठीक है इस तरह से इसको क्या किया गया है बांटा गया है तो वही चीज आपने यहाँ पे फ्लो चार्ट में देखा ठीक है यहाँ पे फ्लो चार्ट में वही चीज आपको दिखाए हमने कि मैटर को है प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर क्या किया गया है डिवाइड किया गया, जिसमें impure, uh, को फिर दो भाग में गया है, जिसमें प्योर एलिमेंट्स को फिर तीन भाग में बांटा गया है मेटल्स नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी ठीक है उसके बाद से कंपाउंड को भी आप यह बांटा नहीं गया है, लेकिन इस तरह के बहुत सारे हमारे चारों तरफ क्या पाए जाते हैं कंपाउंड पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एसिड चाहे इन द फॉर्म ऑफ बेस चाहे इन द फॉर्म ऑफ सल्ट या फिर ऑक्साइड फॉर्म में ये कंपाउंड जो है हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं फिर उसके बाद से इम्प्योर सब्सटेंस को फिर क्या किया गया दो भाग में बांटा गया है एक मिक्सचर और एक सल्यूशन ठीक है अब मिक्सचर में क्या होता है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है या फिर ये मिक्सर भी दो तरह के होते हैं होमोजिनियस भी हो सकते हैं ठीक है होमोजीनियस मिक्सर को क्या कहते हैं उस तरह का मिक्सर जिसमें जो भी सब्सटेंस मिला है वो अन ईवनली सॉरी होमोजीनियस में इवनली मिला हुआ होगा ठीक है या फिर वो मिक्स हुआ सब्सटेंस एज अ वन फेस एक ही तरह का दिखाई देगा उसमें सेपरेशन ऑफ बाउंड्री यानी डिफरेंट डिफरेंट चीज मिला है लेकिन दिखाई नहीं देगा यानी एज अ वन फेस दिखाई देगा होमोजीनियस में अब वही हेट्रोजीनियस होगा तो उसमें आपका वो सेपरेशन लेयर भी दिखाई देगा ठीक है तो इन दिस वे आपका पूरे मैटर को क्या किया गया है क्लासिफाई किया गया है ठीक है उसके बाद से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्योर सब्सटेंस अब एक एक करके हम लोग समझेंगे ठीक है कि किसको क्या कहते हैं तो प्योर सब्सटेंस ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है कि प्योर सब्सटेंस उसको कहते हैं ठीक है थीगे? जो सब्सटेंस एक काइंड ऑफ एटम से बना हो चाहे सेम काइंड ऑफ मेटेरियल से बना हो ठीक है इट मे बी डिफाइन एज द मेटेरियल विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स ठीक है एक ही काइंड ऑफ एटम से बना हो या फिर मॉलिक्यूल से बना हो उसको हम लोग क्या कहते हैं प्योर सब्सटेंस कहते हैं ठीक है जिसमें आप लोगों ने यहां पे देखा एलिमेंट्स को एलिमेंट्स ठीक है अब ये एलिमेंट्स जो है जितने भी एलिमेंट्स है ठीक है ये सभी एक ही तरह के एटम से बने होते हैं वैसे अब आप लोग क्लास इसके बाद जो चैप्टर पढ़ेंगे 9th में ही ठीक है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ठीक है तो उसमें समझेंगे कि एटम्स क्या है जैसे अभी तक आप लोगों ने समझा कि मैटर जो है क्या है टाइनी पार्टिकल्स से बने हैं उसी तरह केमिस्ट्री में अब मैटर को ही हम लोग क्या कहेंगे एलिमेंट कहेंगे ठीक है या फिर हम कंपाउंड कहेंगे ठीक है तो ये जितने भी चीज है जैसे मैटर जो है टाइनी पार्टिकल से बना हुआ था उसी तरह अब यहाँ पे एलिमेंट्स भी मैटर है अब ये एलिमेंट किस चीज से बना है तो वो टाइनी पार्टिकल्स को हमारे साइंटिस्ट लोग क्या किए थे मॉडर्न साइंटिस्ट लोग उसका नाम दिए थे एटम ठीक है वो टाइनी पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है एटम या कंपाउंड जो है किस चीज से बना होता है तो मॉलिक्यूल्स ठीक है तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स आपको दिखाई देंगे हमारे चारों तरफ जितने भी एलिमेंट्स हैं ठीक है जो भी वो मैटर है वो सभी क्या है स्मोलेस्ट पार्टिकल से बना है डेट मीन एटम से बना है ठीक है तो बहुत सारे एलिमेंट्स आपको दिखाई देते हैं ठीक है जैसे सोडियम सुने होंगे आपने आयरन सुने होंगे ठीक है लोहा ठीक है उसी तरह आप लोग गहना सोने का गोल्ड फिर सिल्वर चांदी का ठीक है बर्तन होगा एल्यूमिनियम का घर पे ठीक है कॉपर का ठीक है ये सभी जो है क्या है आपके एलिमेंट्स से और इनका अगर हम लोग क्या करेंगे देखा जाए कि किस चीज से बना है इसको अगर हम लोग देखे तो इसमें यही पाएंगे कि ये जो लोहा आपका ये रॉड हो गया सपोज डेट आयरन रॉड हो गया इस रॉड को अगर आप देखेंगे तो यही पाएंगे कि इसमें बहुत सारे छोटे 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 पार्टिकल्स से ये बने हुए हैं और ये पार्टिकल्स और कुछ नहीं बल्कि क्या है एटम है क्या है एटम है और वो एटम कौन सा है तो उसको और थोड़ा सा बड़ा करके देखिएगा इस तरह से आयरन आयरन एटम से ही मिलके बना होता है ठीक है ये सब आयरन एटम से मिलके इस तरह से कंबाइन हुआ होता है और एक रॉड पे आपका जो रॉड रॉड का टुकड़ा है वो बना हुआ है ठीक है तो ये कहा जा सकता है कि एलिमेंट्स जितने भी हैं वो एटम से बने होते हैं ठीक है और वो एटम अलग अलग नहीं होते हैं सिर्फ एक ही तरह के होते हैं ठीक है आगे जाइएगा तो आप पढ़िएगा कि एक एटम ठीक है एक एटम का सिंबल यही है और बहुत सारे जैसे मान लीजिए कि एक मोल अब ये मोल कॉन्सेप्ट अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा ठीक है जैसे मोलिकुलर मास लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा तो कोई भी सिंपल सा एक फॉर्मूला हम आपको लिख रहे हैं जैसे वाटर ठीक है वाटर वन ड्रॉप वाटर में ठीक है मिलियंस ऑफ लगभग एवरेग नंबर सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन टू पावर ट्वेंटी थ्री ठीक है वैसे तो वन मोल में इतना एटम्स होते हैं ठीक है बाद में हम लोग इसको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में पढ़ेंगे तो समझिए कि जो ये एलिमेंट्स है इसमें इतने एटम्स होते हैं आइए सभी एटम्स सेम काइंड्स के होते हैं ठीक है जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल दें आप दुकान पे गए आपने पांच ग्राम ठीक है शुगर खरीदा चाहे राइस और वहां पे आप 500 ग्राम में जो भी राइस के दाने हैं ठीक है जो भी राइस के दाने हैं देखे होंगे सब सेम काइंड के होते हैं <coughs> कोई भी डिफरेंस नहीं होता है सब सेम काइंड के होते हैं तो उस फॉर्म को अब हम क्या कहेंगे प्योर तो उसी तरह जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सभी इसी तरह से छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं जिसको एटम वही आपके क्या है सब एक काइंड के होते हैं ठीक है सभी एक काइंड से होते हैं इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं एलिमेंट्स कहते हैं ठीक है तो एलिमेंट्स और ये प्योर फॉर्म में तो एलिमेंट्स को फिर दो पार्ट्स में बांटा गया है सॉरी कंपाउंड्स प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट में बांटा गया है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड ठीक है प्योर सब्सटेंस को दो भाग में बांटा गया है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स अब यहां पे देखिए प्योर सब्सटेंस विच आर मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स एलिमेंट्स वो प्योर सब्सटेंस जो कि सिर्फ एक ही काइंड ऑफ एटम से बना हो जिसको हम लोग क्या कहेंगे <coughs> कहते हैं एलिमेंट्स कहते हैं और ये एलिमेंट्स कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस इसको फर्दर हम क्या नहीं कर सकते हैं स्प्लिट नहीं कर सकते हैं ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं ठीक है अब एग्जाम्पल में आयरन गोल्ड सिल्वर कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सोडियम ठीक है दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आपके क्या है एलिमेंट्स ठीक है अब एलिमेंट्स भी फर्दर तीन भाग में बांटा गया है ठीक है वैसे आप लोग पढ़ेंगे क्लास टेन में जाएंगे तो एलिमेंट्स पढ़ेंगे टोटल एलिमेंट्स अब तक 118 एलिमेंट्स का क्या हो चुका है <coughs> डिस्कवर हो चुका है ठीक है जिसमें से आपके 93 एलिमेंट्स जो है एलिमेंट्स जो है मेटल है मेटल है ठीक है यानी 118 में से तिरानवे एलिमेंट्स जो है आपके मेटल से पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे, ठीक है? 118 एलिमेंट्स अभी तक पाए जा चुके हैं उसके बाद से आपके नॉन मेटल जो है 18, ठीक है नॉन मेटल कितने हैं? 18 हैं। नॉन मेटल जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या है अट्ठारह एलिमेंट्स आपके नॉन मेटल से ठीक है ठीके? अब सात सेवन एलिमेंट्स ये आपके मेटालॉइड्स है मेटोलोइड्स ठीक है ये आपके क्या है सात एलिमेंट्स क्या है मेटालॉइड्स टोटल आपके कितने हो जाएंगे एक सौ

Bye bye.